दोस्तों, आपने नेटफ्लिक्स का नाम तो सुना ही होगा या फिर उसका यूज किया होगा। क्या आप जानते हैं कि कैसे नेटफ्लिक्स इतनी बड़ी मूवी रेंटिंग कंपनी बनी और इतनी बड़ी बनने में उसने क्या क्या काले काम किए? दोस्तों, नेटफ्लिक्स का इतिहास सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक है, लेकिन चीजें जैसी दिखती है उससे बहुत ही अलग है। नेटफ्लिक्स शुरू में एक छोटी सी डीवीडी रेंटल सर्विस की एक कंपनी थी जो बिजनेस से लगभग बाहर होने की कगार पर थी, और वे कंपनी को अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर यानी कि ब्लॉकबस्टर को बेचने की डेस्परेट कोशिश कर रहे थे। हालांकि ब्लॉकबस्टर ने उनके ऑफर को ठुकरा दिया और बाहर उनका बहुत मजाक उड़ाया। कुछ दशकों बाद ब्लॉकबस्टर दिवालिया हो गई, जबकि नेटफ्लिक्स की कीमत $200 बिलियन से अधिक हो गई। नेटफ्लिक्स ने अनगिनत प्रेस्टीजियस पुरस्कार जीते और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक तरह की क्रांति ला दी। तो यह उन्होंने कैसे किया और मोस्ट इंपॉर्टेंटली नेटफ्लिक्स अब बहुत गहरे संकट में क्यों है? लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। नेटफ्लिक्स की कहानी शुरू होती है मार्क रेंडोल्फ नाम के एक इंसान से, जो एक बात को लेकर कॉन्फिडेंट था कि वह अपना खुद का इंटरनेट बिजनेस शुरू करना चाहता था। उसने अमेज़न को ऑनलाइन बुक्स में बेचने से मिल रही भारी सफलता को देखा था और महसूस किया कि इस नई इंटरनेट चीज में ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। लेकिन इसमें एकमात्र समस्या यह थी कि उसे पता नहीं था कि कौन सा बिजनेस शुरू किया जाए। महीनों तक मार्क जहां भी गया अपने थॉट्स को लिखने के लिए एक छोटी सी नोटबुक अपने साथ रखता था, और फिर उसने अपने सारे थॉट्स को अपने दोस्त रीड को बताया। क्यों ना हम पर्सनलाइज सर्फबोर्ड, डॉग फूड, बेसबॉल बैट बेचे। मार्क के पास उन चीजों के बारे में बहुत सारे थॉट्स थे जिन्हें वह बेच सकते थे, लेकिन रीड हर आइडिया पर हमेशा सर हिलाता था और कहता था कि यह आइडिया कभी काम नहीं करेगा। मार्क के 100 से अधिक आइडियाज पर गौर करने के बाद रीड ने कहा, इसके बजाय उन्हें कुछ ऐसा ढूंढने का प्रयास करना चाहिए जिसके लिए लोगों को बार बार पेमेंट करनी पड़े। इससे एक बार जब आपको कोई कस्टमर मिल जाएगा तो आप उन्हें बार बार अपना प्रोडक्ट बेच सकेंगे। रीड ने यह भी कहा कि उन्हें कस्टमाइजेबल आइटम से दूर रहना चाहिए, क्योंकि हर नए ऑर्डर के साथ एक्स्ट्रा वर्क की जरूरत पड़ेगी, इसलिए यह स्केलेबल नहीं है। मार्क ने इस बात पर काफी सोच विचार किया और फिर एक फाइनल सजेशन के तौर पर वीडियो टेप के बारे में ख्याल आया। इस पर पहली बार रीड ने तुरंत इस सजेशन को तुरंत खारिज नहीं किया। इसके बजाय उसने खिड़की से बाहर देखा और कुछ सोचने लगा और फाइनली कहा कि ये हो सकता है। अब बात यह थी कि मार्क द्वारा वीडियो टेप का सजेशन देने से ठीक पहले रीड पर ब्लॉकबस्टर द्वारा एक फिल्म को देर से लौटाने के लिए $40 लेट पेमेंट चार्जेस लगाए गए थे। रीड ने मनी मन सोचा कि शायद मूवी रेंटल बिजनेस में बदलाव की जरूरत है और शायद इंटरनेट के जरिए फिल्में किराए पर देना उनका बड़ा बिजनेस आइडिया हो सकता है। क्या एकदम सही है? गलत। जैसे ही मार्क और रीड ने इसके बारे में कुछ और सोचा, हकीकत सामने आने लगी। याद रखें, यह दौर 1997 का था जहां लोग वीडियो टेप का यूज कर रहे थे, जिन्हें भेजना बहुत भारी था और इसके पोस्टल चार्जेस भी काफी अधिक थे। इसलिए फिजिकल वीडियो रेंटल स्टोर्स की तुलना में जिन्हें कोई पोस्टल पेमेंट नहीं करना पड़ता था उन्हें भारी नुकसान होगा। पोस्टल मेल्स में टेपों के डैमेज होने का भी रिस्क बहुत हाई था। मार्क और रीड दोनों को यह क्लियर होने लगा कि उनका बिजनेस आइडिया शुरू होने से पहले ही मर चुका था। फिर कुछ हफ्तों बाद रीड एक टेक्नोलॉजी मैगजीन में एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें डीवीडी नाम की एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया था जो वीडियो टेप की मोस्टली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती थी। डीवीडी बहुत छोटी और हल्की थी, जिसका मीनिंग है कि उन्हें भेजना आसान और सस्ता था। वास्तव में उन्हें केवल 32 सेंट के नॉर्मल स्टैम्प्स के साथ पोस्ट किया जा सकता था। साथ ही डीवीडी खरीदना बहुत सस्ता था और उन्हें स्टोर करना भी आसान था, इसलिए रीड को लगा कि डीवीडी किराए पर देने का बिजनेस मॉडल वीडियो टेप की तुलना में कहीं बेहतर काम कर सकता है। और चूंकि यह बिल्कुल नई तकनीक थी, इसलिए इसे अभी तक कोई और यूज नहीं कर रहा था। बेशक ना तो मार्क ना ही रीड ने वास्तव में पहले कभी कोई डीवीडी देखी थी। 1997 से पहले डीवीडी केवल जापान में ही मिलती थी, लेकिन उन दोनों को मूवी रेंटल को इंटरनेट पर लाने का विचार पसंद आया, विशेष रूप से रीड, जिसे हाल ही में
ब्लॉकबस्टर को एक और लेट पेमेंट चार्जेस भरने पड़े। वे बड़ा दाम लगा रहे थे कि आगे चलकर डीवीडी मेन स्ट्रीम मीडियम बन जाएगा और वीडियो टेप्स का जमाना खत्म हो जाएगा, और इस प्रकार नेटफ्लिक्स के ओरिजिनल आइडिया का जन्म हुआ। बिजनेस मॉडल काफी इजी था कि मार्क और रीड डीवीडी का एक बहुत बड़ा कलेक्शन खरीदेंगे और एक वेबसाइट बनाएंगे जहां से लोग उन्हें एक स्मॉल फीस पर किराए पर ले सके। कस्टमर द्वारा ऑर्डर देने के बाद वह उन्हें एक प्रोटेक्टिव पैकेट में उनकी पसंद की डीवीडी भेज देते थे जो कुछ दिनों में उसके घर पहुंच जाती थी। एक बार जब वे इसे देख लेंगे तो कस्टमर डीवीडी को प्रीपेड रिटर्न वाले लिफाफे में डालकर वापस भेज देगा जो ऑर्डर के साथ ही उसको भेजा गया था। तब उनके पास अपना एक बिजनेस आइडिया था। अब फंडिंग के लिए उन्हें कुछ मनी की जरूरत थी। फॉर्चुनेटली रीड के पास पहले से ही अपने पिछले बिजनेस वेंचर के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपना कुछ पैसा था, लेकिन मार्क के पास लगाने के लिए ज्यादा पैसा नहीं था। इसलिए उसने अपनी माँ से कुछ फंड मांगा जो नेटफ्लिक्स के शुरुआती इन्वेस्टर्स में से एक बन गई। बेशक उसने केवल यह इसलिए निवेश किया क्योंकि वह अपने बेटे को सपोर्ट करना चाहती, लेकिन आने वाले समय में यह इनिशियल इन्वेस्टमेंट उसे बहुत अमीर बनाने वाला था। 1997 के अंत तक मार्क और रीड ने अपने शुरुआती पैसे का यूज कर एक छोटा सा ऑफिस बनाकर एक छोटी सी टीम अपॉइंट कर ली। माना कि यह सब बहुत कम बजट का था। उसके पास पुराने सेकेंड हैंड फर्नीचर के साथ साथ बस कुछ सस्ते फोल्डिंग टेबल थे, और जिन कर्मचारियों को उन्होंने अपॉइंट किया था वे एवरेज सैलरी से काफी कम पर काम कर रहे थे। लेकिन मार्क और रीड ने उन्हें आगे चलकर स्टॉक ऑप्शन देने का वादा किया। इसका मतलब है कि अगर नेटफ्लिक्स सफल हुआ तो उन शुरुआती इम्प्लॉयज को एक बड़ा पेमेंट मिलेगा। हालांकि शुरुआत में कोई भी टीम नहीं चाहती थी कि कंपनी को नेटफ्लिक्स कहा जाए। फ्लैग शब्द का मीनिंग काफी नेगेटिव और लो स्टैंडर्ड वाला था, इसलिए वे सभी अन्य नाम जैसे लूना, सिनेमा सेंटर, नाउ शोइंग, सीन वन, वीडियो पिक्स जैसे नाम का सजेशन करने लगे। लेकिन आखिरकार उन सभी ने डिसाइड किया कि एक ऐसा नाम रखा जाए जो इंटरनेट और फिल्मों से संबंधित एक शब्द हो, और नेटफ्लिक्स नाम इस मामले में सबको सही लगा। साथ ही ये छोटा और थोड़ा अट्रैक्टिव नाम था। आखिरकार सब ने मिलकर नेटफ्लिक्स नाम को फाइनल कर दिया। फिर इस छोटी सी नेटफ्लिक्स टीम ने अगले कुछ महीने अपनी वेबसाइट बनाने और हर तरह की डीवीडी की कई कॉपीज को खरीदने में लगाए जो पॉसिबल हो सकती थी। चूंकि डीवीडी फॉर्मेट अभी भी नया था, वहां केवल लगभग 800 टाइटल ही अवेलेबल थे, क्योंकि बहुत से फिल्म स्टूडियो अभी तक अपनी फिल्में डीवीडी पर रिलीज नहीं कर रहे थे। लेकिन नेटफ्लिक्स ने उन सभी को ट्रैक कर लिया ताकि वे लीगली बनाई गई हर डीवीडी का अपने पास होने का दावा कर सके। बेशक उन्हें बस ये अनुमान लगाना था कि हर पॉपुलर फिल्म की कितनी कॉपीज खरीदनी है। लेकिन आखिरकार कई महीनों के काम और प्लानिंग के बाद वे अपने पागलपन से भरे बिजनेस थॉट यानी कि नेटफ्लिक्स को दुनिया के सामने लॉन्च करने के लिए तैयार थे। और यह पागलपन शुरू होने का समय था, सुबह के 8:56 बजे थे, और यह हम समझ सकते हैं कि नेटफ्लिक्स की छोटी सी टीम इस वक्त कितनी घबराई हुई थी। मार्क भी अपने माथे पर से पसीने की बूंदे पोंछते हुए बार बार घड़ी को देख रहा था। और फिर सुबह 9 बजे वह समय आ गया था जब उन्हें दुनिया के लिए नेटफ्लिक्स वेबसाइट को पब्लिक करना था। पूरी टीम इसी पल के लिए महीनों से इंतजार कर रही थी। उन्होंने न्यूज चैनल्स और पत्रकारों के साथ इंटरव्यूज भी लाइनअप कर रखे थे ताकि जैसे ही उनकी वेबसाइट लाइव हो लोगों को अपनी नई सर्विस के बारे में इंट्रोड्यूस कराने के लिए उन्हें मीडिया का भरपूर अटेंशन मिला। हालांकि उनकी चिंता का सबसे बड़ा कारण था कि उनमें से किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि कितने ऑर्डर आएंगे। यह 0 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है और सैकड़ों भी हो सकता है। सुबह 9 बजे पर एक इंजीनियर ने अपने कंप्यूटर पर कुछ क्लिक की और नेटफ्लिक्स ऑफिशियली लाइव हो गई। उन्होंने कंप्यूटर से एक घंटी जोड़ दी, इसलिए जब भी कोई उन्हें नया ऑर्डर मिलेगा तो ये घंटी बज उठेगी। और इसीलिए सेल को स्टार्ट करने के लिए मार्क ने ही नेटफ्लिक्स पर पहला ऑर्डर दे दिया। उन्होंने कैसिनो मूवी की एक कॉपी किराए पर ली और इसे उसके घर के पते पर भेजने के लिए अपनी डिटेल्स एंटर कर दी। घंटी बजी और अब नेटफ्लिक्स बिजनेस में था। एक मिनट बाद घंटी फिर से बजी और फिर बजी। ये सब असली ग्राहक जो इंटरनेट पर कहीं अलग अलग जगहों से अपने लिए डीवीडी ऑर्डर कर रहे थे। आप देखिए, वेबसाइट लॉन्च होने के कुछ हफ्तों पहले ही नेटफ्लिक्स की टीम ने मूवी फैंस के लिए ऑनलाइन फोरम्स और
बुलेटिन बोर्ड्स में घुसपैठ कर ली थी। इन साइटों पर उन्होंने अपनी प्रोफाइल बनाना शुरू कर दिया था, मानो वो नॉर्मल यूजर्स हैं। फिर जैसे ही नेटफ्लिक्स वेबसाइट लॉन्च हुई, उन्होंने नेटफ्लिक्स से रिलेटेड पोस्ट और कमेंट करना शुरू कर दिया कि क्या किसी ने अभी तक नेटफ्लिक्स द्वारा दी गई डीवीडी सर्विस को आजमाया है। वे ऐसे दिखते हैं मानो उनके पास सैकड़ों डीवीडी हो और काफी इकोनॉमिकल भी। जाहिर तौर पर उन्होंने कोई भी ऐसा संकेत नहीं दिया कि वो लोग नेटफ्लिक्स के लिए काम करते हैं, और इसीलिए इन प्लेटफॉर्म्स पर लोगों ने सोचा कि ये ओरिजिनल कमेंट्स हैं, जिसने कुछ मूवी फैंस को पहले दिन से नेटफ्लिक्स की ओर अट्रैक्ट करने में मदद करी। अब मार्क एक्साइटेड था और मीडिया के साथ अपने इंटरव्यूज के लिए ऑफिस के दूसरे कमरे में चला गया, ताकि नेटफ्लिक्स के लॉन्च के लिए और भी अधिक पब्लिसिटी हो सके। अब अगले 15 मिनट तक शानदार ऑर्डर्स आते रहे, लेकिन तभी मार्क ने देखा कि घंटी बजनी बंद हो गई, मतलब ऑर्डर आने बंद हो गए थे, और ये जल्दी ऑफिस के बाकी सभी के एक्सप्रेशन से क्लियर हो गया कि कुछ भयानक रूप से गलत हो गया था। पता चला कि उन पर बहुत अधिक ट्रैफिक आ गया था और उनकी वेबसाइट क्रैश हो गई। याद रखें, ये क्लाउड होस्टिंग के दिनों से बहुत पहले की बात है, लेकिन आप तुरंत अधिक सर्वर और बैंडविड्थ जोड़ सकते हैं। 1998 में आपकी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए आपके ऑफिस में ही सर्वर होते थे, लेकिन नेटफ्लिक्स ने पर्याप्त मात्रा में सर्वर नहीं खरीदे थे, इसलिए मार्क ने कुछ लोगों को कुछ और सर्वर खरीदने के लिए पास के एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में दौड़ा दिया। उन्होंने पहले ही दिन इतनी अधिक डिमांड होने की उम्मीद नहीं की थी। बेशक ये एक अच्छी समस्या थी, लेकिन ये काफी स्ट्रेसफुल भी था। पिछले कुछ महीनों में वह सब इसी के लिए काम कर रहे थे, और अब केवल 15 मिनट में ही उनकी वेबसाइट क्रैश कर गई और लोग उनकी वेबसाइट पर ऑर्डर तक नहीं कर पा रहे थे, और इस बात की कोई गारंटी भी नहीं थी कि वे लोग बाद में दोबारा ऑर्डर करने आएंगे। मार्क का दिमाग दौड़ रहा था उन सभी पॉसिबल कस्टमर्स के बारे में सोचते हुए जिन्हें वे इस वक्त खो रहे थे। जब उनका एक कर्मचारी 8 नए सर्वर्स के साथ ऑफिस में लौटा, उनकी वेबसाइट वापस ऑनलाइन हो गई, लेकिन इस बार वेबसाइट सिर्फ 45 मिनट तक ही चली और दोबारा क्रैश कर गई। इतना ही नहीं, नेटफ्लिक्स की टीम के साथ डीवीडी भेजने के लिए बॉक्सेस और लेबलिंग इंक भी खत्म हो गई। हालांकि तमाम प्रॉब्लम्स के बावजूद उन्होंने 137 ऑर्डर्स के साथ पहला दिन खत्म किया, जो किसी के भी एक्सपेक्टेशन से कहीं अधिक था। और यदि उनकी साइट पूरे दिन क्रैश ना होती रहती, तो उनके पास निश्चित रूप से और भी अधिक ऑर्डर्स होते। इसलिए यह कंपनी के लिए बहुत इनक्रेडिबल और प्रॉमिसिंग स्टार्ट था। ऑफ कोर्स यह क्लियर था कि आगे बहुत बड़ा काम बाकी था। ऐसी कई बड़ी चीजें थी जिन्होंने उन्हें पूरी तरह से ओवरलोड कर दिया था, जैसे कि उन्होंने ऑटोमेटिक ऑर्डर कंफर्मेशन सेट नहीं किया था, इसलिए टीम ऑर्डर देने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मैनुअल रूप से ईमेल कर रही थी। साथ ही उन्होंने यह भी नहीं सोचा था कि अदर कंट्रीज के इंटरनेशनल ऑर्डर्स को कैसे संभालना, और ऑफ कोर्स सबसे जरूरी इशू साइट को बार बार क्रैश होने से रोकने की कोशिश करना। नेटफ्लिक्स टीम को पता था कि वे उस रात बहुत देर तक काम करेंगे, तो अपनी नई कंपनी के बारे में ऑप्टिमिस्टिक होते हुए उन्होंने पिज्जा ऑर्डर किया। बेशक उस पल में नेटफ्लिक्स टीम में से किसी एक ने भी नहीं सोचा होगा कि आगे क्या होने वाला है। लॉन्चिंग के बाद नेटफ्लिक्स के पहले पूरे महीने में उनकी सेल $94,000 पार कर गई। हालांकि इसमें से केवल $1,000 डीवीडी किराए पर लेने से आया था, बाकी सब कुछ डीवीडी बेचने से था। आप देखिए, जब नेटफ्लिक्स पहली बार लॉन्च हुआ, उन्होंने लोगों को दोनों विकल्प दिए कि आप डीवीडी को लगभग $25 में खरीद सकते हैं, या फिर इसे $4 पर किराए पर ले सकते हैं। और मार्क और रीड को उम्मीद थी कि अधिकांश लोग किराए पर डीवीडी लेंगे, पर वास्तव में उन्होंने लोगों से किराए पर डीवीडी लेने की अपेक्षा नहीं की थी, बल्कि अपने बिजनेस मॉडल के लिए उन्हें डीवीडी किराए पर लेने वाले कस्टमर्स की जरूरत थी। डीवीडी किराए पर देने का बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा था, क्योंकि नेटफ्लिक्स उसी डीवीडी को बार बार सैकड़ों बार किराए पर दे सकता था, जब तक कि लंबे समय में अधिक पैसा न कमा लिया जाए। लेकिन अजीब बात है, शायद ही कोई नेटफ्लिक्स से डीवीडी रेंट पर लेने को चुन रहा था। लोग केवल एक बार के लेन देन के रूप में डीवीडी खरीद रहे थे। अब निश्चित रूप से यह बहुत अच्छा था कि वे बहुत सारी डीवीडी बेच रहे थे, लेकिन यह टिकाऊ नहीं था। जैसे ही अन्य बड़ी कंपनीज ने नेटफ्लिक्स की तरह ही डीवीडी बेचना शुरू कर दिया, तो वे सिर्फ एक सामान बन जाएंगे, क्योंकि हर कोई एक जैसा ही प्रोडक्ट बेच रहा होगा, जिससे नेटफ्लिक्स का प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा और उनकी सेल घट जाएगी। पहले महीने में नेटफ्लिक्स द्वारा इतनी सारी डीवीडी बेचने का एकमात्र कारण था
कि अभी तक किसी और ने इंटरनेट पर डीवीडी बेचना शुरू नहीं किया था, यानी अभी कोई ऑनलाइन कंप्यूटर नहीं था। लेकिन मार्क और रीड दोनों इस बात को जानते थे कि दूसरी कंपनीज भी जल्दी ऐसा करना शुरू कर देगी। तो बेसिकली नेटफ्लिक्स को इस बात की जरूरत थी कि लोग अधिक से अधिक डीवीडी खरीदने की बजाय किराए पर लेना शुरू करें, क्योंकि इससे उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा और वे सबसे पहले एक लॉयल कस्टमर बेस बना सकते थे, जिसे बिजनेस लैंग्वेज में कहते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज। बहुत मजे की बात है कि बस कुछ हफ्ते बाद 1998 की गर्मियों में मार्क और रीड को एक फोन आया अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस से। मैं उनसे मिलना चाहता था। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल के दूसरे वीडियोस भी देखें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। टाटा बाय बाय।